दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे एक फुल स्क्रीन का एड बार बार आ जाता है, कुछ भी काम करते तुरंत एड आ जाता है। इसको बंद करने का मात्र दो तीन तरीका है, बहुत आसान है। सबसे पहले सेटिंग पे जाइएगा। सेटिंग पे जाने के बाद आपको ध्यान देना है कि आपका कोई भी मोबाइल होगा उसमें एक ऐप मैनेजमेंट या एप्स का ऑप्शन ज़रूर रहता है, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर हम ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं। ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद ऐप लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप सी आर ऐप कर सारे ऐप को देख सकते हैं। अब इसी ऐप में एक ऐसा एप्लीकेशन रहता है जिसकी वजह से आपको बार बार परेशान करता है, तो उस एप्लीकेशन को हटाना है। तो उसको पता करने के लिए डार्क मोड में आपको मोबाइल करना होगा, जिससे उस एप्लीकेशन का कोई भी लोगो नहीं होगा। आपको ऐसा एप्लीकेशन दिखेगा जिसमें कोई लोगो नहीं होगा, यानी बिना लोगो का होगा। जो लोगो दिख रहे हैं तो उसको आप तुरंत ही यूनइंस्टॉल कर दीजिएगा क्लिक कर कर, क्योंकि वैसी से आपका प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा, बिना लोगों का कोई भी एप्लीकेशन होगा वो यूनइंस्टॉल कर दीजिएगा। उसके नीचे ही एक ऑप्शन और को आपको मिलता है, डिस्प्ले ओवर अदर एप्स। ठीक है, ये भी आपको क्रिएट करता है, पॉपअप करता है आपके बार बार स्क्रीन पे। इसको देखिए, डिस्प्ले लिखा है ना कि यहाँ पे वन एप्स देख सकते हैं अलाउड है, जो कि पॉपअप एड्स है। देखिए लिखा भी साफ साफ पे पॉपअप एड्स, तो ये हमारा ट्रू कॉलर में प्रॉब्लम है। आपका कोई भी एप्लीकेशन होगा तो इसको भी आप नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिएगा, ये भी प्रॉब्लम करता है। तो आप समझ गए दो चीज़ आपको करना है, और तीसरा भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताता हूँ आपका। तो यहाँ पर आपको एक और सेटिंग करना है, जो कि सेटिंग है आपको गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आपको एड्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको रिसेट एडवर्टाइजेस या डिलीट एडवर्टाइजेस का ऑप्शन मिलेगा, दोनों को रिसेट डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद अदर कनेक्शंस वायरलेसंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे प्राइवेट डीएनएस में से एक कोड डालना है जिससे आपको कोई भी प्रचार नहीं आएगा। तो आपको नीचे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको dns.aidguard.com। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से लिखकर आपको सेव कर देना है। बस यही काम करना, आपका 100% सॉल्व हो जाएगा।